Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. हाँ जी, तो मंडे मॉर्निंग है और आज जो है वो मेरे हस्बैंड, बच्चे सब गए हुए हैं. उनका कॉलेज वगैरह सारा स्टार्ट हो गया था. वैसे एक दो दिन से मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, तो आज मुझे था कि मैं सारे काम कर लूं, लेकिन जब हस्बैंड और बच्चे घर में होते हैं ना, सीरियसली कोई काम नहीं होता मुझसे. खैर एनीवेज, ये ड्रेस जो है इसके बारे में आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे. आपने दिखाया नहीं अभी तक, आपने उसकी डिजाइनिंग नहीं दिखाई, तो चलें पहले आप इसकी डिजाइनिंग देखें तो फिर करते हैं अपने व्लॉग का आगाज. हाँ जी, तो ये ड्रेस जो है ना, मैंने बहुत ज्यादा ऑश पॉश नहीं डिजाइन किया था, सिंपल किया था. ये उस वक्त किया था जब मैं उम्रे पे जा रही थी और उसके बाद ये स्टिच होके आ गया था. मोती वगैरह मैंने बाद में लगाए थे. सो इट हैज अ सिंपल नेकलाइन, वो भी इसलिए क्योंकि ये इसका जो आप नेकलाइन देख रहे हैं ना, इसी के अकॉर्डिंगली बनाया था. अगर मैं नीचे तक बनाती ना तो ये गला बहुत डीप हो जाता, तो इसलिए यहां पर ही कर दिया. नीचे इसके इंटरफेसिंग कराई है ब्लैक कलर की, एंड उसके बाद ये नीचे तक जो है ना, जहां तक इसका गला आ रहा था, इसको जो है ना ये फैशन पट्टी इसके अंदर लगाई है. अच्छा जी, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लैक एंड व्हाइट, मरून एंड ऑरेंज का है. तो ये आप देख सकते हैं मेरे पर्ल्स लगाए हैं, ब्लैक कलर का मोती लगाया, मरून कलर का मोती लगाया, ठीक है, जस्ट इसके गले को एक खूबसूरत सी जो है ना वो लुक देने के लिए. और इसके बाद इसके स्लीव्स की तरफ आते हैं. ये इसके जो है वो स्लीव्स है, इसी कलर के खदर के थे, और ये आप देख सकते हैं इसके साथ जो पट्टी दी गई थी कॉटन की, वो मैंने जो है ना इधर लगा दी है, ठीक है. ब्लैक, क्योंकि पट्टी अलग से इन्होंने दी हुई थी इस सूट के साथ, तो वो पट्टी मैंने इधर लगा दी. यहां पर मैंने मोती लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, व्हाइट कलर की और ब्राउनिश जैसे मस्टर्ड कलर की. और इसके बाद मैरून कलर का जो है मैंने इधर कुरेशा खुद कर लिया था. मैरून कलर का जो मेरे इसकी शर्ट का दुपट्टा है, उस तरह का कुरेशा कर दिया है. दामन पे भी आप देख सकते हैं कि वही पट्टी मैंने इस तरह करके लगाई है, आपको नजर आ रही होगी दामन की पट्टी. तो ये दामन पे मैंने इस तरह लगवा ली थी, नीचे जो है मैंने इसके इंटरफेसिंग करा ली थी. ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये पट्टी लगनी थी इसलिए यहां पर इंटरफेसिंग नहीं होनी थी. नीचे जो है यहां पर मैंने इसका ब्लैक कलर का इंटरफेस करा लिया था. ये है इसके दामन की ओवरऑल लुक. हाँ जी, तो ये इसका दुपट्टा है. जो सबसे चार्मिंग बात है ना, वो इसका दुपट्टा है, बहुत खूबसूरत है. ये आप देख सकते हैं ब्लैक ऑरेंज एंड मस्टर्ड, सॉरी मरून कलर का, बहुत प्यारा सा मरजंडा कलर का कॉम्बिनेशन में इसका दुपट्टा मैंने सिंपल पीको करा लिया था. और इसके बाद मैंने इसमें, ये आप देख सकते हैं, ये बॉल्स लगाई हैं ये, क्योंकि उसके डिजाइन में भी थी, और यहां पर लगा दिए इसके मोती. तो ये लटकते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, दुपट्टे की लुक बहुत खूबसूरत हो जाती है. अब देखें ये दुपट्टे की लुक जो है वो बहुत प्यारी हो गई है आफ्टर दीज बॉल. ये आप सिंपल इसके अंदर जो है ना एक कॉटन बॉल डालें और इसके बॉल बना के तो इसके ऊपर हैंग कर दें. अच्छा जी, ये हो गया था इसका दुपट्टा, मैं जरा इसको फैला के दिखाऊं. हाँ जी, ये है अब इसके दुपट्टे की ओवरऑल लुक. बहुत प्यारा लगता है जब इसके साथ आपने पहना होता है, मैरून कलर का इसका बॉर्डर एंड एवरीथिंग. एंड ये आप देख सकते हैं कि ये इसके साथ, ये देखें मैचिंग है इसके साथ. और ये देखें ये बॉल्स बहुत प्यारी लगती है. मैं इसकी ट्राउजर का डिजाइन दिखाती हूँ आपको. और ये इसकी ट्राउजर का पांचा है, इस पर पेंटेक्स करवा ली थी मैंने फोर, और उसके बाद इट्स अ सिंपल ट्राउजर. तो ये आप देख सकते हैं पूरे सूट की जो ओवरऑल लुक है, बहुत प्यारा लग रहा है ये सूट पहने हुए. बस खद्दर है ना इसके साथ, खैर शॉल वोलन है, ये बात याद रखिएगा. और ये सना सफीनास का लास्ट ईयर का आर्टिकल है, तो ये अभी आपको आई डोंट थिंक सो कि मिलेगा. बस डिजाइन थोड़ा मैंने शेयर करना था, इसलिए बहुत ज्यादा ऑश पोश नहीं किया, बिकॉज आई एम वर्किंग इन किचन. एंड दूसरा ये कि अभी सर पे मैं दुपट्टा लेती हूँ, तो मुझे होता है कि ये जो इतनी मैं दुपट्टे पे और चीजें लगाऊंगी तो ऐसा ना हो कि वो आग लग जाए, तो मैं थोड़ा सा सिंपलिसिटी की तरफ इस सूट पे गई थी. तो खैर ये इस सूट की है ओवरऑल लुक. हाँ जी, तो ये है इस जोड़े की ओवरऑल लुक. लेट मी शो यू कि ये पहने हुए कैसा लगता है. ये दुपट्टा आप देख सकते हैं, इट लुक सो नाइस. एंड क्योंकि इसकी लेंथ इतनी थी, आई वॉन्टेड कि लंबी हो, लेकिन ये इतनी ही बन रही थी. सो आई होप आप लोगों को ये वाला डिजाइन जो है वो अच्छा लगा होगा. हाँ जी, तो मैं अभी बना रही हूँ खाना, लेकिन खाने की रेसिपी मैं नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि वो सर मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, जो कि मैंने कई दफा आप लोगों से शेयर किया. आज मैं आपको बताऊंगी
कि मैं बना रही हूँ खाना इन सरसों का तेल। और इसको मैं किस तरह बनाती हूँ, मैं तेल डालने के बाद उसको अच्छा गर्म कर लेती हूँ और उसके अंदर 2 लहसुन की जवे डाल देती हूँ। जब तक वो बिल्कुल डार्क नहीं हो जाते ना, तब तक मैं इसके अंदर कोई चीज़ पकाती नहीं हूँ। तो वो जब डार्क हो जाता है उसको मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर खाना बना लेती हूँ। ये जो रेसिपी है, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका लिंक दे दूंगी नीचे, आप लोग देख लीजिएगा कि मैं किस तरह आलू की भुजिया बनाती हूँ। इट्स वेरी गुड रेसिपी फॉर योर ब्रंच, फॉर योर लंच, एंड मेरे हस्बैंड की तो खैर फेवरेट है। तो सरसों का तेल जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और अगर इसमें आप पकौड़े बनाएंगे ना वो भी बहुत मजे के बनते हैं। तो बस ये है कि आपको थोड़ी सी फीलिंग आती है शुरू में कि पता नहीं सरकत पे लगाने वाला तेल होगा, बट ये कि ये प्योर सरसों का तेल है, जो कि तेल जहाँ पर निकलते हैं वहां से, मैंने जैसे चक्की होती है उस तरह की जो दूसरी जगह होती है, मुझे उसका सॉरी नाम नहीं आता, तो मैंने वहां से निकलवाया। लेकिन ये बहुत अच्छा तेल है, इसमें अगर आप लोग खाना बनाते हैं ना तो खाना बहुत अच्छा बनता है। एंड आप लोग बिलीव मी, यू विल लव दिस फूड एंड दिस ऑयल, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो उस दिन मैं गई थी रावी सेंटर, और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा हाँ वहां पर भी अच्छे कपड़े मिलते हैं, वहां पर भी अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ वो कपड़े शेयर कर दूं जो मैंने अभी तक नहीं किए हैं। तो मैं उसके लिए 2 जोड़े लाई थी इस थैले के अंदर, क्योंकि रावी सेंटर कोई ऐसा ब्रांड तो है नहीं इसी तरह के थैलों में देता है। अच्छा, एक दो बातें, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हाँ हम भी लेते हैं वहां से कपड़े, और कुछ लोगों ने कपड़े का स्टफ पूछा, वो भी आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। एक कमेंट में मुझे इतनी हंसी आई, वो मेरे जवाब देने से पहले ही आप लोगों ने खुद ही उसको निपटा लिया था, कि जी आपने अगर रीजनेबल कपड़े लेने हैं तो आप बरीजे से जाके ले लें। थैंक यू सो मच आपके मशवरे का। आपको बरीजे के कपड़े लगते होंगे और रीजनेबल, हमें नहीं लगते, क्योंकि आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा किस किस को बरीजे के कपड़े जो है वो रीजनेबल लगते हैं। अच्छा जी, वहां से अपनी बेटी के लिए 3 पीस सूट लेके तो सिलवा ले। लाइक मुझे हैरत इस बात की होती है कि कितने आराम से कोई बंदा इस तरह का कमेंट कर देता है, और ना तो व्लॉग देखा है ना स्टोरी पीछे पता है, बस वो देखा कि इधर से लिया है तो आप ब्रीजे से, वो शुरू में स्टार्टिंग में देखने के बाद ना वो कमेंट करना शुरू करते हैं। इतने लोग जजमेंटल होते हैं ना समटाइम्स, सीरियसली। आप थैंक यू, मुझे आपके बिल्कुल भी मशवरे की नीड नहीं है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं दे नो मी, एंड मैं महंगे से महंगा ब्रांड भी लेती हूँ और सस्ता भी कपड़ा ले लेती हूँ। मैं महंगी से महंगी जगह पर भी जाके खाना खाती हूँ, और सीरियसली बाहर रोड पे खड़े हुए जो ठेले होते हैं उससे भी खा लेती हूँ। मुझे कोई इस तरह का क्रेज नहीं है। बट द थिंग इज कि मैंने जब बोला है कि मैंने अपनी बेटी के लिए घर के लिए कपड़े लेने, एंड शी रियली वॉन्टेड दैट वन कलर सूट, हालांकि मैं अभी कल सफायर परसों गई थी तो उधर से मैं ले सकती थी उसके लिए, बट शी सेड मुझे 3 पीस नहीं चाहिए मम्मा, मैं 3 पीस पहनती नहीं। एंड मुझे मशवरा दिया गया कि जी आप बरीजे से जाके 3 पीस सूट खरीदे और वो अपनी बेटी के लिए बनवा ले। सो और बड़े रीजनेबल मिलेंगे, ऐसे बोल रही थी जैसे बरीजे के कपड़े जो है वो जो राबी सेंटर है उससे भी कई ज्यादा नीचे मींस प्राइस में है। अभी मैं 2 पीस लाई 1500 का, तो वहां पर शायद 800-900 रुपए का मिलता है। तो अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप कभी बरीजे नहीं गई तो आपको पता नहीं है कि बरीजे के रेट्स क्या है, या आपने जो है ना अपनी तरफ से तुक्का मार लिया, आपको ब्रांड्स का नहीं पता। सो इट वॉज समथिंग, मैं हंसी इतना कि मैं बता नहीं सकती। और जब मैंने नीचे देखा तो वो नीचे कॉमेंट जो है ना वो मेरी किसी सब्सक्राइबर ने खुद ही उनको कर दिया। तो मुझे बोलने की डी 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 पड़ी कि मैं उनको कुछ जवाब देती। खैर एनीवेज, वो जोक्स अपार्ट, वो उसको बात को वहीं पर रहने थे। अभी मैं आप दिखाती हूँ आपको ये कपड़ा और क्या मैंने उसके लिए लिया है, एंड मैं किस तरह स्टिच कराऊँ, क्योंकि मुझे था आज मैं इसको श्रिंक कर देती हूँ और मैं उसके लिए स्टिच सिलवा लेती हूँ। पहला सूट जो है वो ये वाला है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, तो ये आप देख सकते हैं द प्रिंट इज वेरी ब्यूटिफुल, और ये बड़ा लाइट कपड़ा है। मैंने भी उस शॉपकीपर से कहा था कि ये आप मुझे कह रहे लिनन, बट ही सेड नो बाजी, ये लिनन जो है वो वाली लिनन नहीं है जो मोटी है, जो कि मेरे दूसरे कपड़े अभी भी मैंने जो है सिलवाए हुए हैं वो मोटी लिनन है। इसमें और इसमें बहुत फर्क है, एंड सीरियसली आप जब इसको हाथ लगाती है बहुत ठंडा सा कपड़ा है ये लिनन कैटेगरी का ही, बट ये पतला है, ये बारीक है, लॉन लिनन वो बोल रहा था इसे। एंड ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ना, एंड माई डॉटर शी इज अ टीनेजर गर्ल, तो उसके लिए मुझे 3 पीस मैं कभी नहीं लेती, 2 पीस लेती हूँ, और दुपट्टे वगैरह की इस तरह के झंझटों में मैं नहीं पड़ती उसके लिए, बिकॉज शी इज जस्ट अ टीनेजर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इतना खूबसूरत है। सो आई वॉज थिंकिंग कि जो आजकल बड़ा फैशन में इन है, थोड़ी सी ट्राउजर जो है वो स्ट्रेट होती है, थोड़ी सी ऊंची होती है, और साथ में लॉन्ग शर्ट स्ट्रेट होती है, तो मैं उस तरह का बनवाऊंगी। तो ये 2 पीस में मैंने लिया है, ये आप देख सकते हैं, इट्स खुला कपड़ा, ये
आई डोंट नो किस कंट्री का होता है, बट ये कपड़ा बहुत ठंडा है। अगर ये अच्छा था तो मे बी मैं अपने लिए घर के लिए भी ले लूंगी, उसके लिए मैंने सिर्फ नॉर्मल घर के लिए लिए। तो पहला प्रिंट जो है वो ये वाला है, और जो दूसरा प्रिंट है ना ये पिस्ताशु कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था पता है। एंड सेकेंड जो कलर है वो है ये, दिस इज द पिंक ड्रेस। एंड आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर चीता प्रिंट बना हुआ है, ठीक है, चीता प्रिंट में पिंक कलर का है। तो ये दोनों आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस सिले में कितने प्यारे लगेंगे, मैं तो इमेजिन कर रही हूँ। लेसेस वगैरह में थोड़ी बहुत देख लूंगी, बिकॉज माई डॉटर डजेंट लाइक वेरी लेसेस वाले कपड़े, यू नो बच्चे आजकल के इस तरह के कपड़े पहनते नहीं। सो ये जो है वो मैंने दो जोड़े ले लिए हैं। अब मैं इसको श्रिंक करूंगी, इंशाल्लाह ताला जल्दी स्टिच कराऊंगी, टेलर जो है ना बड़ा तंग करते। सो ये थे वो दो जोड़े जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए। हाँ जी, तो ये जो है मैं मुझे डस्टिंग करनी थी, ट्राई करना था ये ग्लव किस तरह का है। तो ये वाला ग्लव जो है ये मेरे हस्बैंड की कार किट की जो क्लीनिंग वाला किट था उसमें से निकला था, तो मुझे था चलो इसको डस्टिंग के लिए रख लेते हैं। इतना अच्छा ग्लव है, इसके अंदर हाथ के अंदर डाल के तो आप आराम से बड़े डस्टिंग वस्टिंग कर लेते हैं जहाँ की भी आपने करनी होती है, स्पेशली जो नाजुक चीज़ें होती है ना उनकी डस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैंने आज इसको यूज़ किया ट्रे के अंदर, सीरियसली क्लिप्स एंड पता नहीं क्या क्या पड़े हुए होते हैं, तो ये बच्चे बच्चे जो है ना यहाँ वहाँ जो पड़ी हुई होती है ना वो भी चीज़ें ट्रे के अंदर डाल देते हैं। ये मुझे बताइएगा आपके घर में भी यही होता है? हर एक घर में होता है, बच्चे जहाँ पर देखते हैं ना कोई चीज़ पड़ी हुई होती है तो उसको वहीं आसपास वाले डेकोरेशन पीस में डाल देते हैं। तो ये मैंने सारे टेबल की डस्टिंग कर दी, एंड बिलीव मी दिस ग्लव वॉज टू गुड। पहले भी मैंने एक ग्लव मंगवाया था इसी तरह डस्टिंग के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये वो थोड़े से लंबे लंबे से थे, वो जल्दी गंदा हो जाता था। ये कलर भी बड़ा अच्छा था। सो खैर यहाँ की डस्टिंग हो गई और ये मैंने कैंडल ऑन कर ली। जब घर बहुत अच्छा साफ नीट एंड क्लीन हो जाता है ना तो मैं कैंडल ऑन कर लेती। तो खैर एनी वेज मुझे बहुत सी क्वेरीज आ रही थी अबाउट हैंड एंड फीट केयर, और मौसम चेंज हो रहा है। पहले तो सर्दियों में बारिश थी, अभी बारिश नाम की कोई चीज़ नहीं। हाँ बीच बीच में कभी कभी हो जाती है लेकिन ड्राइनेस है, और वजू करने के बाद ना सीरियसली आपके हाथ पैर जो है ना ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो ये विटामिन ई क्रीम है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, एंड ये वाली जो क्रीम्स है ना ये आपको उधर से मिलेंगी जहाँ पर फेशियल वाला सामान मिलता है। एंड बिलीव मी ये इतना ज़बरदस्त मॉइस्चराइजिंग है। पहले मैं इसका हनी एंड आलमंड यूज़ करती थी, वो मुझे नहीं मिला तब मैंने ये लिया था, एंड ये बहुत अच्छी क्रीम है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका साइज़ बहुत जम्बो है, और ये लाइक एक आप ख़रीदो ना ये आपके पूरे साल के लिए ना फिक, क्योंकि एक बड़ी थिक सी क्रीम है और इसका इतना अच्छा इफेक्ट होता है। आप एक दफ़ा रात को लगा लें और एक दफ़ा सुबह जोहर मीन सुबह के इन द सेंस कि अगर फजर पढ़ने के बाद लगा लेंगे तब आपके पैर जो है बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर जोहर के बाद लगा लें और फिर इशा मीन्स इशा के बाद। अगर दिन में तीन दफ़ा आप लगाएंगे ना तो आपके पैर ड्राई नहीं होंगे, ये बात हमेशा याद रखिए। क्योंकि मैंने फील किया मेरे पैर ना बहुत ड्राई, क्रैक तो खैर नहीं पड़ी लेकिन मेरे पैर ड्राई होना शुरू हो गए, क्योंकि मौसम इस तरह का है। फिर आप बार बार जब वजू करते हो तो फिर आपको जो है ना पैर और हाथ जो है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जो है ना मुझे था कि आप लोग मुझसे बहुत से क्वेश्चंस करते हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि दिस इज, इसमें कोई जो है ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं इसको छुपाती फिरूँ, बट ये कि सदका जारी है। अगर आप लोग करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ये आपको वहां से मिलेगा जहाँ से फेशियल वाला सामान मिलता है, या ब्यूटी शॉप्स जो होती हैं जैसे मेकअप वाली होती है वहाँ पर आप पूछिएगा तो आपको ज़रूर ये मिलेगी। बहुत अच्छी क्रीम है सीरियसली। अब ये देखिए मैं जब सारे हाथ पे अच्छी तरह से लगा लेती हूँ तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि लोशन जैसे कोनियों तक आप लगा लेते हो इसी तरह मैं लगा लेती हूँ ताकि मेरे हाथ जो है ना वो मॉइस्चराइज रहें। खैर एनीवेज, तो ये तो मेरा था आज पूरे दिन की रूटीन, लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निशात, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं तीन शॉप्स पे गई थी, दिस वॉज द लास्ट वन। एंड निशात पे बिलीव मी इतने खूबसूरत कपड़े आए हैं, इतने खूबसूरत कपड़े आए हैं कि आपकी सोच है बहुत ही हसीन। लाइक मैं निशात की इतनी बड़ी फैन नहीं थी ना लेकिन हूँ इन अ सेंस। अभी मैं आके आपको बताती हूँ उसकी बहुत बड़ी रीज़न है ये वाले कपड़े। मैं निशात की, वैसे मैंने निशात के कपड़े बहुत लिए, अभी भी मैंने एक सूट लिया ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन निशात में ना सी थ्रू कपड़ों का मुझे बहुत इशू फील होता है कि कपड़े ना शर्ट भी बिल्कुल दुपट्टे के वाले फैब्रिक की होती, मतलब बिल्कुल सी थ्रू होती है। अब आप ये देखें ये शर्ट्स भी हैं बीच में वो बिल्कुल सी थ्रू होती है, तो बस ये वाला अदरवाइज मेरा इसका बड़ा दिल था कि मैं थ्री पीस ले लूँगी, बट इट वॉज वेरी सी थ्रू। तो
मैं आई थी, मैंने सोचा था मैंने लेना जरूर है, मैं लूंगी जरूर, लेकिन मैं जिस कपड़े की तरफ जाऊं ना तो वो सी थ्रू था। तो ये तो खैर एक है मेरे साथ इशू, क्योंकि शायद मैं सी थ्रू कपड़े नहीं पहनती या मुझे बहुत पतले कपड़े नहीं अच्छे लगते, तो शायद मे बी दैट इज द रीजन। अच्छा, दूसरा ये है कि निशात एंड दूसरी ब्रांड्स का फर्क ये है कि निशात की एम्ब्रॉयडरीज आर वेरी फाइन, कपड़ा भी नो डाउट बहुत फाइन होता है, बहुत फाइन। लेकिन ये कि ये आप देख सकते हैं ये शर्ट्स के कपड़े बहुत सी थ्रू हैं। तो मैं अभी इधर दोबारा आई कि मुझे प्रिंट दूर से इतने प्यारे लगते थे, करीब आओ तो वो बहुत ज्यादा मेरे, मैं नहीं पहन सकती थी। मैं एक्चुअली हाथ अंदर डाल के पीछे से देखती हूँ कि मेरे रिंग्स और हाथ तो नहीं नजर आ रहे, तब मैं कहीं जाके कुछ खरीदती हूँ। खैर मैं तो फिरती रही फिरती रही फिरती रही पूरे निशात के स्टोर में, मुझे आप कह सकते हैं 20 to 25 मिनट्स लगे थे, मेरी बेटी तंग हो गई थी। बट मुझे कपड़े अच्छे लगते थे, बस वो रीजन एक ही थी। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग के सब ये इश्यूज होते हैं, मेरे साथ तो ये बहुत होते हैं कि मैं ना कपड़े के अंदर हाथ डाल के जरूर चेक करती हूँ कि बॉडी नहीं नजर आनी चाहिए। खैर एनीवेज यहाँ पर मैं आई, फिर मैंने ये फैसला किया कि ये जो डी आई, अब ये देखिए ये इतनी खूबसूरत शर्ट थी सीरियसली, ये ब्लैक वाली, फिर बस वही इश्यू है बार बार, आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट। तो दुपट्टा भी इसका बहुत खूबसूरत था, ये भी सूट बहुत प्यारा था, बट वही इशू आ रहा था। मैं जो प्रिंट देखती थी बस इशू ही वही था। बस मेरा इतना दिल खराब होता था ना कि मैं इतना प्यारा, अब ये येलो मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा था, इसकी दुपट्टा भी बड़ा प्यारा था, और इसका, और ये सूट को नॉर्मल सूट नहीं है, इसका कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, 5,000 से ऊपर के थे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग, एक ही चीज़ थी जो कि मुझे सूट नहीं कर रही थी। खैर उसके बाद मैंने क्या किया कि जो इनकी अगली दूसरी साइड पे ये वाले कपड़े लटक रहे होते हैं जो कि 3 पीस होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं, और वो उनको मैंने देखना शुरू किया। मैं, मुझे बहुत खूबसूरत एक सूट मिला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको सब बहुत जल्द शेयर करूंगी कि कौन सा वाला मैंने सूट लिया। प्रिंट्स वर नो डाउट, इतने हसीन प्रिंट्स थे, इतने खूबसूरत प्रिंट्स। अब ये पिंक इतना खूबसूरत सूट था सामने, लाइक जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पिक्चर में इतना खूबसूरत नहीं था जितना ये सामने प्यारा था। एंड ये वाले सूट जो है ना सारे 5-6 इस तरह के थे, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत कपड़े निशात पे आए हुए, अगर आप लोगों ने लेने हैं तो अगर आप मेरा मशवरा मानते हैं ना, सो गो फॉर द 3 पीस सूट्स जो कि एम्ब्रॉयडर्ड वाले हैं। ये वाली कलेक्शन पे मेरा दिल नहीं मानता, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, जो इनकी वो कलेक्शन है जो कि खुला कपड़ा होता है, जितना दुपट्टा ले लिया ले लिया, जितनी कमीज ले ली ले ली, जितनी ट्राउजर ले ली ले ली। ये जो 3 पीस फिक्स सूट होते हैं ना, ये मुझे ज्यादा सूट करते हैं, मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं कंपैरेटिवली उनके। तो अगर आप लोग मेरा मशवरा मानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझे बता रहे होते हैं कि आपने जो सूट खरीदा वही हमने खरीद लिया, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, बहुत जल्दी शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों ने अगर लेना है तो आप लोग भी ले लें। ये इतना खूबसूरत है, ये ब्लू नहीं, इट्स ग्रीन एक्वा कलर, पता नहीं कौन सा कलर, बट इट्स सो ब्यूटिफुल। और ये जो सनफ्लावर्स बने हैं ना, सीरियसली व्हेन आई वाज इन मैट्रिक क्लास ना, मेरा इसी तरह का सूट था, बिलीव मी, सेम डिट्टो ऐसा था। अगर ये पिक्चर मैं स्क्रीनशॉट अपनी अम्मी को भेजू ना तो वो बिल्कुल पहचान लेगी, इवन मेरी कजन का भी ऐसा ही था। तो ये सूट खैर नो डाउट निशात के बहुत खूबसूरत होते हैं। शॉपिंग मैंने की है, आई विल शेयर विद यू ऑल, क्योंकि समर्स आ रही है, समर के कपड़े तो अभी बनाने ही बनाने। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो कलेक्शन मैं आपको दिखा रही हूँ आप लोग देख लें, देख लें। दोबारा मैं आई हूँ उस येलो की तरफ, बट फिर मैंने इसको छोड़ दिया, तो लिया है वो दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। सो अच्छे कपड़े थे, अगर चक्कर लगा लें तो ज़्यादा बेटर है। सो खैर सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग, उम्मीद है ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, टेक केयर एंड Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.